जय हिंद, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में मैंने बताया था कि हमें कौन कौन से रिलेशन को इसमें ध्यान रखना होता है ना। पहले तो मैं अपने अपने एज के से स्टार्ट किया था, है ना, ब्रदर सिस्टर कजन, है ना, इन चीज़ों से स्टार्ट किया था। फिर इसके ऊपर भी गए थे, है ना, पेरेंट्स अंकल ये सभी हो गए थे। फिर उनके ऊपर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना, फिर अपने नीचे चले थे जो सन डॉटर थे। तो उन चीज़ों को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, इंग्लिश के साथ मैंने हिंदी में भी डिटेल से डिस्कस किए थे। तो बच्चों, जिन्होंने भी उन पार्ट्स को नहीं देखे तो सबसे पहले उन पार्ट्स को आप लोग देखेंगे और फिर इस वीडियो पे आएंगे। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों, मैं इसके आगे लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें जो रीजनिंग में रिलेशन होते हैं वो देखिए मेन रूप से किस पे डिनोट होते हैं, मेन रूप से कौन कौन से इसमें ब्लड। अब ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन में जो रिलेशन दिखाई देता है वो जनरली इसमें मेन रूप से मुख्य रूप से इसमें दिखाई देगा फादर सन, है ना, फादर या फिर डॉटर। इसके बाद हो जाएगा मदर सन, है ना, उसके बाद हो जाएगा मदर के साथ सिस्टर का हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ब्रदर सिस्टर हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो सिस्टर के साथ रिलेशन होगा, और इसके बाद हम देखें तो ब्रदर ब्रदर होगा, है ना, ब्रदर ब्रदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिर आ जाएगा HUS BND हस्बैंड एंड वाइफ। इतने रिलेशन मेन होते हैं और जनरली यही रिलेशन होते हैं। बाकी जो अंकल हो गए या कजन हो गया, ये क्या होता है कि फादर, है ना, फादर के ब्रदर के मींस जो अगर हम कजन की बात करते हैं तो कजन में इनके ब्रदर का बेटा भी आ सकता है, है ना। इसके बाद इनके ब्रदर का भी बेटा आ सकता है, इनके सिस्टर के भी बेटा आ सकता है, इनके सिस्टर के भी बेटा आ सकता है या बेटी आ सकती है, है ना। तो जो कजन ये सब हो गया, है ना, वो ब्लड रिलेशन नहीं होता, है ना। ब्लड रिलेशन में जो नजदीक संबंध होते हैं, जैसे फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर सिस्टर, है ना, ये सभी हो गए। अब हम उन्हीं चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, इस चीजों को नोट कर लेंगे कि एक्चुअली हमें इस रिलेशन में किन चीजों पे ध्यान देना है, है ना। मेन यही रिलेशन होता है जो आगे हमें कजन से भी जोड़ेगा या अंकल से जोड़ेगा, है ना, या ग्रैंडफादर से जोड़ेगा, यही रिलेशन होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अगर हम आगे देखें मेरे बच्चों, इसमें अगर हम देखते हैं सबसे पहले, अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट बातें ये होती है कि हम रिलेशन को किस तरह से शो करेंगे, है ना। ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन में हमें किस तरह से शो करना होगा ताकि क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो लल्ला प्यारे, यहाँ पे ध्यान दें कि आप इस पे ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं जिससे आप ध्यान देंगे, है ना। मैं मेल को प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, मेल को प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, और बच्चों इसे बॉक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान दें, मेल को प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं और बॉक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी चीजें, इसमें अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को माइनस से भी डिनोट करते हैं या फिर इसे सर्कल से डिनोट करते हैं। फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं या फिर सर्कल से डिनोट करते हैं, मेल को प्लस से डिनोट करते हैं या फिर रेक्टेंगल मींस बॉक्स से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, ये इन चीजों को आप लोगों को ध्यान देना होगा, है ना। यही क्या करेगा, साइंबल है जो आपको ये कंफर्म करवाएगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, है ना। तो लाडले यहाँ पे देखते हैं आगे,
अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, इन चीजों को आप नोट कर लेंगे है ना, और जो मैं इसमें लेकर चलूंगा सैंपल के रूप में, मैं इसे बॉक्स को लेकर चलूंगा और यहां पे सर्कल को लेकर चलूंगा, बॉक्स और सर्कल को लेकर मैं चलूंगा यहां पे है ना। मैं प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे बॉक्स को और सर्कल को लेकर चलूंगा, इसलिए आप लोग यहां पे ध्यान देंगे। अब बच्चों यहां पे देखते हैं कि जो रिलेशन होता है, अब यहां पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पे अगर मैं यहां पे ले लूं कि मदर सन है ना, यहां पे अगर आपको मदर और सन के रिलेशन को दिखाना होगा तो आप किस तरह से दिखाएंगे है ना, आप किस तरह से दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको पहले वाले चार्ट में मैंने बताया था इसके प्रीवियस वाले पार्ट्स में है ना, कि जो फादर होते हैं, जो फादर या फिर जो मदर है ना, ये क्या होते हैं, हमसे ऊपर होते हैं है ना, ये हमसे ऊपर होते हैं इस तरह से मैंने कुछ करवाए थे इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, कुछ याद है। इसके बाद क्या था, कजन था, इसके बाद यहां पे क्या था, अंकल था है ना। तो उन चीजों को ध्यान दे, अब यही जो आपको प्रीवियस वाले पार्ट्स में करवाए थे ना, वहीं से ये चीजें की रिलेशन यहां पे बनेगा, उन्हीं चीजों को यूज करके है ना। अब देखिए यहां पे अब क्या है कि मदर और सन के बीच में रिलेशन को दिखाना होगा, तो बच्चे यहां पे ध्यान दें, अगर मैं यहां पे मदर को एम से ले लूं, एम से डिनोट कर लूं, यहां पे मदर को मैं मदर को एम से डिनोट कर रहा हूं है ना, और सन को यस से डिनोट कर रहा हूं, तो ध्यान दे मैं यहां पे क्या बताया था कि फीमेल के लिए मैं सर्कल ले रहा हूं, तो यहां पे मैंने एक सर्कल ले लिया, और सन है ना, सन क्या होता है, मेल होता है ना, तो इसलिए मैं यहां पे सन को एक बॉक्स में ले रहा हूं है ना। अब यहां पे देखे जो दोनों को, अब क्या है ये तो यहां से कंफर्म हो गए कि एम, एम मीन्स मैं मदर को ले रहा हूं और एस मीन्स सन। अब एक चीज ध्यान दे, या फिर इसे इस तरह से ले ले, ए बी, ए बी के रूप में ले ले, ए को मैं मदर मान रहा हूं या फिर बी को मैं सन मान रहा हूं, तो ए को मैं सर्कल ले लिया और बी को मैं यहां पे, बी को मैंने बॉक्स में कर दिया इस तरह से। अब यहां पे ध्यान दे, ये चीजें तो आपने कर दी, अब रिलेशन को दिखाना होगा ना बच्चों, यहां पे ध्यान दे, ये ब्रदर सिस्टर या फिर यहां पे हम लोग भी आ जाते हैं ना, यहाँ पे हम लोग भी आ जाते हैं जीरो लेवल, इसका प्लस वन मैंने बताया था, प्लस टू फिर नीचे आते तो माइनस वन माइनस टू है ना। तो जीरो लेवल में मतलब कि जो अपने जनरेशन की बातें हो रही है ना। अब देखें कि ये जो फादर है या मदर है, ये अपने से ऊपर वाले पीढ़ी में, इसलिए ये क्या है, हमसे ऊपर है ना, इसलिए मैंने मदर को ऊपर रखा। यहाँ पे मदर या फादर क्या है, हम लोगों से ऊपर वाले पार्ट्स में है ना, ऊपर है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऊपर रखा और दोनों को एक सिंगल लाइन से इस तरह से डिनोट कर दूंगा। तो ध्यान दें, जब भी मदर और सन के बीच में रिलेशन दिखाना होगा तो मैं इस तरह से रिलेशन को दिखाऊंगा, समझ में आएगा। यहां पे आप अब क्या है ना कि कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस और बी प्लस इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने माइनस प्लस की जगह पे मैंने सर्कल और बॉक्स को ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तो नेक्स्ट में ये तो एक हो गया, ये हो गया मदर और सन के बीच के रिलेशन है ना, कि मदर और सन को किस तरह से डिनोट करेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फादर, फादर और सन के बीच के रिलेशन को, तो बच्चों यहां पे ध्यान दे, फादर याद है कुछ चार्ट, अपने अपने के जनरेशन मींस अपने एज के ऊपर वाले क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर होते हैं। ये अगर अपने जनरेशन के हैं तो फादर को मैंने बताया था इस तरह से है ना, फादर मदर बताया था, आप लोगों ने पढ़े थे पार्ट ब्लड रिलेशन का पार्ट वन लेक्चर देखे थे आप लोग, इस तरह से चार्ट मैंने बताया था है ना।
यहां पे क्या हो जाते हैं, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ये अपने एज के लोग हैं, है ना। तो क्या है, फादर हमसे ऊपर है ना, यहाँ पे एक जनरेशन ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अगर ए क्या है, ए फादर है, तो बी क्या है यहाँ पे, सन है ना, बी क्या है, सन है, और फादर क्या है यहाँ पे, मेल है। तो इसीलिए मैं ए को बॉक्स में ले रहा हूं, और बी क्या है, सन है, और सन मेल होता है, इसीलिए मैं एक बॉक्स को ले रहा हूं और दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दे रहा हूं, है ना। ये जो रिलेशन है, ये कौन से रिलेशन को डिनोट कर रहा है, ये फादर और सन के रिलेशन को डिनोट कर रहा है ना। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मदर और डॉटर, है ना, मदर और डॉटर के बीच के रिलेशन को अगर हम देखते हैं, तो इसी तरह से सेम जिस तरह से मदर सन या फादर सन के रिलेशन को दिखाए ना, उसी तरह से यहाँ पे मदर और डॉटर के बीच के रिलेशन को देखेंगे। तो मेरे प्यारे लाडलों यहाँ पे ध्यान दें, मदर को अगर मैं ए मान रहा हूं और डॉटर को मैं बी मान रहा हूं, और दोनों क्या है यहाँ पे, दोनों फीमेल हैं, है ना, दोनों क्या है, फीमेल हैं। तो लल्ला प्यारे, जब दोनों फीमेल हैं, तो इसे मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूं, और दोनों के बीच में ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। लाइन क्या है, ये लाइन एक्चुअली एक रिलेशन को बता रहा है, ये एक संबंध को बता रहा है कि इनके बीच का संबंध क्या है, ये जोड़ रहा है ये दोनों को, ये जो लाइन है ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है ना। तो ये क्या हो गए यहां पे, यहां पे मदर और डॉटर हो गए। जब मदर डॉटर है तो यहां पे फादर डॉटर का भी रिलेशन, फादर और डॉटर का भी रिलेशन आएगा यहां पे, है ना, फादर डॉटर। अब बच्चों यहां पे ध्यान दें लल्ला प्यारे, जिस तरह से मदर और डॉटर के बीच के रिलेशन हुआ है, उसी तरह से यहां पे फादर और डॉटर के बीच भी रिलेशन होगा। फादर को अगर मैं ए मानूं और डॉटर को मैं बी मान लूं, तो फादर क्या है, मेल है, मेल को मैंने बॉक्स से डिनोट कर रहा हूं, तो ए को मैंने बॉक्स में डाल दिया, और बी डॉटर को डिनोट किया है यहाँ पे, और बी डॉटर क्या है यहाँ पे, फीमेल है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूं, और बच्चों इसे मैं सिंगल लाइन इस तरह से डिनोट कर रहा हूं, है ना। जब भी क्वेश्चन में अगर आएगा किसी के बीच में भी रिलेशन, जैसे फादर सन का रिलेशन दिखाई देगा, तो मैं इस तरह से डायग्राम बना दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, फादर और सन है। या फिर क्वेश्चन में इस तरह से आ गया, मदर डॉटर के रिलेशन को दिखा रहा है, तो मैं इस तरह से डायग्राम बना दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मदर और डॉटर का रिलेशन है। या फिर इस तरह से अगर मैं डायग्राम बना दूंगा, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे मदर और सन का रिलेशन है। अब क्या हो गया, यहाँ पे मदर सन हो गए, फादर सन हो गए, मदर डॉटर हो गए, है ना, फादर डॉटर हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ध्यान दे यहाँ पे ब्रदर सिस्टर। अब मैं यहाँ पे रिलेशन जो दिखा रहा हूं, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर क्या होते हैं, ये अपने एज के होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अपने एज के होते हैं, है ना, थोड़े बहुत बड़े छोटे होते हैं, है ना। जब ये अपने एज के होते हैं, ध्यान रहे जब मैंने पार्ट वन पढ़ाया था, तो दिखाया था कि अपने एज में, अपने एज ग्रुप में कौन कौन, ब्रदर सिस्टर कजन ये सभी आ जाते थे ना बच्चों, है ना, तो ये सभी अपने लाइन में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि अपने उम्र के हैं। तो यहां पे ध्यान दे, ब्रदर मैं ए ले रहा हूं और सिस्टर मैं बी ले रहा हूं, ब्रदर ए, है ना, ब्रदर ए, तो यहां पे ब्रदर क्या है, मेल है, इसलिए मैं इसे बॉक्स में ले रहा हूं, और बी सिस्टर है ना, तो बी को, बी क्या है, फीमेल है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूं, और जब ये अपने एज के ग्रुप हैं, इसलिए मैं इसे एक लाइन में लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, इसे सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया। और बच्चों यही जो रिलेशन है, यही रिलेशन क्या बता रहा है यहाँ पे, ब्रदर और सिस्टर का। इसके बाद अगर आप ध्यान दें, तो ब्रदर ब्रदर का रिलेशन होगा, है ना, ब्रदर और ब्रदर का रिलेशन होगा। और बच्चों ध्यान दें कि ब्रदर ब्रदर, भाई भाई, ये क्या होते हैं, अपने एज के होते हैं, है ना, हमर उम्र होते हैं। तो लाडलों
जब अपने उम्र के होते हैं तो इसे भी एक लाइन में लिखेंगे, ए बी है ना, ए भी मेल है बी भी मेल है और दोनों ब्रदर को डिनोट कर रहा है ना, तो मेल को मैंने किससे डिनोट किया था, बॉक्स से, इसलिए मैं इसे भी बॉक्स से डिनोट कर दिया और दोनों को सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया। ध्यान दें यहां पे मेन यही चीज है, इस पे अगर आप लोगों ने कमांड कर लिए तो क्वेश्चन में गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब ध्यान दें यहां पे, अब सबसे बड़ी चीज है हस्बैंड वाइफ। अब यहां पे देखें कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसे किस तरह से डिनोट करते हैं। हस्बैंड वाइफ भी क्या होते हैं, एक तरह से लगभग अपने ही उम्र के होते हैं, है ना। तो यहां पे मैं ले रहा हूं हस्बैंड वाइफ, है ना। यहां पे जो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का बनेगा ना बच्चों, यहां पे तो ध्यान दें, अगर मैं ए को हस्बैंड मान रहा हूं और बी को मैं वाइफ मान रहा हूं, तो ए क्या है, हस्बैंड मतलब मेल, मेल को मैं बॉक्स से ले रहा हूं, है ना। इसके बाद बी वाइफ है ना, फीमेल, तीसरे मैं सर्कल से ले रहा हूं। अब इसे कितने लाइन से डिनोट करेंगे, अगर सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया तो हस्बैंड वाइफ की जगह पे ब्रदर सिस्टर हो जाएगा, ये काम कभी मत करना, है ना। तो हस्बैंड वाइफ ये दोनों तरफ से अट्रैक्शन होता है, एक तरफ से नहीं, जब दोनों तरफ से अट्रैक्शन होता है, दोनों तरफ से लाइन चालू है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे दोनों दो लाइन खिंचाएंगे और यही दो लाइन क्या होते हैं, ये रिलेशन दिखाएगा कि ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है। तो यहां पे एरो को भी ध्यान देंगे कि कहां पे सिंगल एरो है, कहां पे डबल एरो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग अच्छे तरीके से नोट करेंगे बच्चों, आप लोग इसे अच्छे तरीके से फेयर में नोट करेंगे, है ना। और जो भी डाउट्स होते हैं ना उसे मेरे प्यारे लाडलों कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अब इसे देखते हैं कि इसे क्वेश्चन में किस तरह से यूज किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन रेंडमली ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, अब तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे मेल और फीमेल को किस तरह से डिनोट किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना, और यहां पे ले लेते हैं कि बी इज मदर ऑफ सी, है ना, बी इज मदर ऑफ सी एंड सी इज डॉटर ऑफ डी। अब इसका डायग्राम बताइए क्या है। तो बच्चों यहां पे ध्यान दे क्या लिखा हुआ है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना, ए इज ब्रदर ऑफ बी। यहां पे ध्यान दें, ए को क्या बता रहा है यहां पे, ए को क्या बता रहा है यहां पे, ध्यान दें, यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ए को क्या बता रहा है बच्चों, यहां पे ब्रदर बता रहा है ए को, मतलब कि यहां से ए का जेंडर डिफाइन हो गया। तो यहां से जब ए का जेंडर डिफाइन हो गया, ब्रदर मीन्स मेल, तो यहां पे मैं इसे बॉक्स में ले लेता हूं, है ना, इसे बॉक्स में ले लिया मैंने। और बच्चों ध्यान दे किसका भाई है, बी का भाई है, मतलब कि अपने उम्र की बात हो रही है ना, तो ये सीधा लाइन में आ जाएगा बी। अब यहां पे बी के बारे में अभी कुछ कोई साइन नहीं देंगे, ना तो यहां पे बॉक्स का और ना ही सर्कल का, क्योंकि अभी तक इस लाइन में बी के जेंडर के बारे में नहीं चला है, नेक्स्ट लाइन में हो सकता है पता चल जाए। अब यहां पे दे रखा है कि बी इज मदर ऑफ सी, और लल्ला प्यारे ध्यान दें, जब बी मदर है सी की, तो यहां से बी के बारे में रिलेशन पता चल गया है, क्या मदर का रिलेशन यहाँ पे पता चला है, है ना। और मदर क्या होती है यहाँ पे, फीमेल होती है मदर, है ना, मदर क्या होती है यहाँ पे, फीमेल होती है,
तो जब फीमेल होते हैं तो इसे मैं किन चीजों से डिनोट करूंगा, सर्कल से, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल है ना। और मदर है किसकी, तो सी की। जब बी मदर है सी की, तो मदर एक पीढ़ी ऊपर होता है ना, है ना, और जो बच्चे होते हैं एक पीढ़ी नीचे होते हैं, तो मतलब कि सी को मैंने नीचे इस तरह से दे दिया। इसके बाद दे रखा है कि सी इज डॉटर ऑफ डी। अब बच्चों ध्यान दें, सी क्या है, बेटी है, इसे मैंने सर्कल ले लिया, क्योंकि डॉटर क्या होती है, फीमेल होती है, इसलिए मैंने सी को यहां पे सर्कल में दे दिया। ये जो डॉटर यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, सी के लिए यूज किया गया है, ध्यान दें, है ना। इसके बाद जो ए क्या है, ब्रदर, ब्रदर मीन्स मेल, है ना। इसके बाद हम देखें तो बी इज मदर, मतलब यहां से फीमेल। अब देखिए बच्चों यहां से, अब डी के बारे में क्या है, सॉरी, सी इज डॉटर ऑफ डी। सी किसकी बेटी है, डी की। अब कुछ लोग होंगे जो डी का जेंडर यहां पे नहीं बता पाएंगे, कुछ लोग होंगे जो कर दिए होंगे सोल। जब बच्चों यहां पे जब सी आ गई है ना, जब सी की मदर है बी, है ना, तो जब मदर है सी, सॉरी बी है, वो मदर है सी की, है ना, तो बी का भी तो हस्बैंड कोई होगा, तभी तो ये डॉटर आई होगी, है ना बच्चों। तो यहां पे जो डी है ना, तो ये डी क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, बी का। और वो किस तरह से पता चला है, क्योंकि बी है जो मदर है किसकी, तो सी की। जब बी मदर है सी की और यहां पे सी डॉटर है डी की, तो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, है ना। यहां पे इस तरह से रिलेशन को डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन में किस तरह से रिलेशन को डिनोट किए जाते हैं, उन चीजों के बारे में यहां पे अब देखें। अगर हम आगे भी देखें इसी तरह से अगर हम आगे देखें, तो देखिए एक और एग्जांपल यहां पे, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं एग्जांपल कि ए इज फादर ऑफ ए एंड बी, सॉरी, ए इज फादर ऑफ बी एंड सी, है ना। इसके बाद बी इज मदर ऑफ डी, बी इज मदर ऑफ डी एंड वाइफ ऑफ एफ। अब बच्चों यहां पे ध्यान दें, यहां पे लिया गया है कि ए इज फादर ऑफ बी। अभी मैं केवल आप लोगों को डायग्राम बताने सीख रहा हूं कि किस तरह से डायग्राम बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पे अभी आगे चलेंगे, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आप लोग सीखे, जब डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन भी आराम से झक मार के सोल्व होगा, कोई नहीं रोकने वाला। तो लल्ला प्यारे यहां पे ध्यान दे, ए इज फादर ऑफ बी, ए किसके फादर है, बी के, है ना। जब ए फादर है तो मतलब कि ए तो मेल हो गया, और किसके फादर है, तो बी के फादर है। नेक्स्ट, फादर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के फादर हैं। अभी बी और सी के बारे में जेंडर कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं ना तो यहाँ पे सर्कल दिया और ना ही यहाँ पे मैंने बॉक्स दिया, है ना। इसलिए अभी जब तक कंफर्म ना हो ना जेंडर के बारे में, तब तक आप लोग यहाँ पे कोई साइन ना देंगे, समझ आई बात। ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। नेक्स्ट, बी इज मदर ऑफ डी। अब यहां पे देखें कि बी के बारे में क्या बताया है, कि बी मदर है, और किसकी मदर है बच्चों, तो यहां पे ध्यान दें डी की। जब बी मदर है, मतलब मदर मींस फीमेल, और फीमेल को मैंने यहां पे सर्कल से डिनोट किया, और किसके मदर है, तो डी की। और यहां पे डी के बारे में भी जेंडर नहीं कंफर्म है, इसलिए मैंने डी को भी ना तो बॉक्स दिया ना सर्कल दिया। और बच्चों यहां पे एंड, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, एंड ये ध्यान दें, ये जो एंड है ना, यहां पे ध्यान दें, ये जो एंड लिया गया है ना, ये जो एंड है, ये अगर ध्यान रखें
नोट करके लिख लेंगे एक पॉइंट, नोट करके लिखेंगे, अगर एंड आएगा ना, अगर एंड आएगा तो समझ जाइए कि फर्स्ट नेम के लिए आएगा। एंड यूज्ड फॉर फर्स्ट नेम, है ना, किसके लिए, फर्स्ट नेम के लिए। अगर हु आ गया, अगर हु आया ना क्वेश्चन में, तो इसको समझ जाइए आप सेकेंड नेम के लिए, यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर सेकेंड नेम। और बच्चों इस तरह से अगर नहीं याद होता है ना, तो सीधा ध्यान रखिए हु नजदीक के लिए, और जो एंड है वो दूर के लिए। इसे आप लोग नोट करके लिख लेंगे बच्चों। अब यहां पे देखिए कि दूर के लिए और नजदीक के लिए या फिर फर्स्ट नेम सेकेंड नेम क्या है, यहां पे क्या है, एंड है ना बच्चों, लल्ला प्यारे यहां पे क्या है, एंड है। और लाडलियों ध्यान दें, जब यहां पे एंड आया ना लाडलियों, तो ये एंड किसके लिए आया है, बी के लिए। अब यहां पे देखिए बच्चों, एंड के पहले कितने नेम यूज किया गया है, एंड के पहले कितना नेम यूज किया गया, एक नेम तो ये हो गया। अरे यार स्केच भी नहीं चल रहा। अब देखिए यहां पे एक नेम तो ये हो गया, है ना, और दूसरा सॉरी ये फर्स्ट नेम तो ये हुआ और सेकेंड नेम ये हुआ ना बच्चों। एंड के पहले दो नेम आया है, है ना, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, है ना, केवल मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, इस डॉट के बाद वाले सेंटेंस की, समझ गए, ये वाले सेंटेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके बाद वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं। और बच्चों यहां पे ध्यान दें, एंड के पहले दो नेम आया है, एक तो बी आया है और लाडलो दूसरा डी आया है, है ना। तो लाडलियों लल्ला प्यारे, मैंने क्या बताया कि एंड यूज्ड फॉर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या आया है बच्चों यहां पे, बी आया है। फर्स्ट नेम यहां पे क्या आया है, बी आया है ना, है ना, क्या आया है, बी। तो इसलिए यहां पे एंड का यूज हुआ है किसके लिए, तो बी के लिए। अगर यहीं पे हु आ जाता ना बच्चों, तो हु अगर आता तो सेकंड नेम के लिए, तो सेकंड नेम क्या है बच्चों यहां पे, डी है ना, तो हु हो जाता डी के लिए, है ना। फर्स्ट नेम यहां पे समझाने के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट में आप लोग भी लिख लेंगे, है ना, ब्रैकेट में आप लोग भी लिख लेंगे क्या, बी बी, है ना। और सेकेंड नेम यहां पे क्या है, डी, आप लोग लिख लेंगे ध्यान से। नजदीक के लिए तो नजदीक, नोट है ना, नोट में एंड का यूज बताया कि एंड यूज्ड फॉर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है बच्चों यहां पे, बी, यहां पे मैंने क्या लिखा, बी, फर्स्ट नेम बी है ना। तो एंड, एंड अगर आ गया ना इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, ब्लड रिलेशन के चैप्टर में, तो समझ जाइए कि फर्स्ट के लिए यूज किया गया। अगर हु आ गया एंड के प्लेस पे, तो सेकंड के लिए यूज किया जाएगा, सेकंड नेम के लिए, मतलब डी के लिए। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, डी, यहां पे बी और यहां पे डी, समझ में आई बात। दूर के लिए, तो दूर क्या है यहां पे, बी है ना, इसलिए यहां पे भी बी लिख दो। नजदीक क्या है यहां पे, डी है, तो डी लिख दो यहां पे। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। अब यहां पे देखें, अब क्या है यहां पे, एंड, एंड वाइफ ऑफ एफ। अब जो मदर है, कौन मदर, बी, बी इज मदर ऑफ सी एंड वाइफ ऑफ डी। बी है वो डी की, बी इज मदर ऑफ डी एंड वाइफ ऑफ एफ। बी है जो माता है किसकी, डी की, और पत्नी है किसकी, तो एफ की। मतलब कि बी माता भी है डी की, बी माता है डी की और पत्नी है एफ की। तो यहां पे तो मैंने डिनोट कर दिया कि बी इज मदर ऑफ डी, है ना। और ये यहां पे क्या है, तो वाइफ, किसकी वाइफ, तो एफ की वाइफ। जब बी वाइफ हो रही है तो एफ हस्बैंड होगा, और हस्बैंड क्या होता है, मेल। यही इसका डायग्राम हो गया बच्चों, है ना, यही क्या हो गया, डायग्राम हो गया।
है ना, तो इन चीजों को ध्यान देंगे। और जहां पे हमें रिलेशन जेंडर के बारे में कंफर्म नहीं हुआ है ना बच्चों, जैसे यहाँ पे सी के बारे में, सी के बारे में यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि सी मेल है या फीमेल है, इसलिए मैंने ना तो यहाँ पे बॉक्स दिया है और बच्चों ना तो यहाँ पे सर्कल दिया है। इसी तरह से डी के लिए, डी के बारे में भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि डी मेल है या फीमेल है, इसीलिए ना तो यहाँ पे मैंने बॉक्स दिया और ना ही मैंने सर्कल दिया। तो जिन बच्चों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा ना मेरे लाडलो, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और मेरा आशीर्वाद भी आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं ना बच्चों, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।